सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। युद्ध सरकारें नहीं लड़ती, युद्ध पूरा देश लड़ता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश के लिए जो जीने और मरने की परवाह नहीं करते वो अजर अमर होते हैं। सैनिक आज के साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं। हमारी आने वाली कल सुरक्षित रहे, उसलिए वो अपनी आज स्वाहा कर देता है। सैनिक जिंदगी और मौत में भेद नहीं करते, उनके लिए तो कर्तव्य ही सब कुछ होता है। देश के पराक्रम से जुड़े इन जवानों का जीवन सरकारों के कार्यकाल से बंधे नहीं होते। शासक और प्रशासक कोई भी हो सकता है, परंतु पराक्रमी और उनके पराक्रम पर हर हिंदुस्तानी का हक होता है। भाइयों और बहनों, 2014 में मुझे शपथ लेने के कुछ ही महीने के बाद कारगिल जाने का अवसर मिला था। वैसे मैं 20 साल पहले कारगिल तब भी गया था जब युद्ध अपनी चरम पर था, दुश्मन ऊंची चोटियों पर बैठ करके अपने खेल खेल रहा था, मौत सामने थी, फिर भी हर हमारा जवान तिरंगा लेकर सबसे पहले घाटी पर पहुंचना चाहता था। एक साधारण नागरिक के नाते मैंने मोर्चे पर जुटे अपने सैनिकों के शौर्य को उस मिट्टी पे जाकर के नमन किया था। कारगिल विजय का स्थल मेरे लिए तीर्थ स्थल की अनुभूति करा रहा था। साथियों, युद्ध भूमि में तो जो माहौल था वो था, पूरा देश अपने सैनिकों के साथ खड़ा हो गया था। नौजवान रक्तदान के लिए कतारों में खड़े हो गए थे, बच्चों ने अपने गुल्लक वीर जवानों के लिए खोल दिए थे, तोड़ दिए थे। इसी दौर में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देशवासियों को एक भरोसा दिलाया था। उन्होंने कहा था कि जिस देश के लिए जान देते हैं हम, उनकी जीवन भर देखभाल भी न कर सके तो मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने के अधिकारी नहीं समझे जाएंगे। मुझे संतोष है कि
कि अटल जी के उस भरोसे को आप सभी के आशीर्वाद से हम मजबूत करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बीते 5 वर्षों में सैनिकों और सैनिकों के परिवारों के कल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आजादी के बाद दशकों से जिसका इंतजार था, उस वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने पूर्ण किया। इस बार सरकार बनते ही पहला फैसला शहीदों के बच्चों की स्कॉलरशिप बढ़ाने का किया गया। इसके अलावा नेशनल वॉर मेमोरियल भी आज हमारे वीरों की गाथाओं से देश को प्रेरित कर रहा है।